हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फहाद है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका नाम है मंटू। मंटू जिस तरह आपने नाम सुना होगा पाकिस्तानी ये मूवी का जो 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें सबा कमर और फैसल कुरैशी थे। अब जो मंटू की स्टोरी है वो इंडिया में है और मंटू की स्टोरी पे ऊपर जो फिल्म बना है वो बॉलीवुड में बना है और जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। सो हम देखेंगे इस वीडियो को और इसकी स्टोरी को समझेंगे कि स्टोरी क्या है, और थोड़ी रिसर्च भी इसी वीडियो के लिए मैंने की है। तो फिर हम आपको वीडियो के बाद रिएक्शन में बताते हैं। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो सब कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। अगर आप मेरे अफसानों को तो उसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुकदमा चल रहा था इन पे, कोई जीत गया। तो के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है, हर औरत के लिए कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना ख्वाब देख टूट जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क आजाद है। ओके, तुम एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ओके, क्या हो रहा है यार। जब गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब देखते थे, लाहौर 1948 तो कौन सा ख्वाब देखेंगे। तुम बेफिक्र हो, मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखे नहीं मरोगे। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। मंटो साहब, आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। ये मंटो साहब का एक शाहकार है। अगर एक तरफ आप लिखने की आजादी चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक राइटर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। ओ, सच तो हर किसी नहीं बोलना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें पसंद ना। देखो मेरे लोग सब पीछे देख रहे हैं लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। September 21. तो ये थी मंटू के ऊपर जो स्टोरी। असल में मंटू एक राइटर था और अक्सर उन पर मुकदमा हो जाता है। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी स्टोरीज में गालियाँ लिखते थे, कहा जाता था, और गलत बातें लिखते थे तो ये कहा जाता था। मुझे नहीं पता, मैंने उनकी कोई स्टोरी नहीं पढ़ी। इनकी फिल्म पे भी इनमें मुकदमा हुआ है। तो बात उन्होंने ये कही थी कि जो ज़माने में हो रहा है मैं वो ही लिख रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं लिख रहा। तो ये सच भी है कि जो हो रहा है उसको लिखना चाहिए ना, अब जो नहीं हो रहा तो उसको उनको नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने भी वही किया, जो हो रहा है वो अपनी स्टोरी अपने अफसानों या अपने कलम निगाह जो भी है उनकी शायरी है तो उसमें लिखा, जो जिसकी वजह से उन पर जो केस हुआ और वो कोर्ट गए। एंड वो काफ़ी औरतों के लिए काफ़ी काम अपनी स्टोरी में कुछ अच्छा लिखते थे काफ़ी, तो वो वजह थी। इंडिया से वो जो है वो लाहौर में आए, पाकिस्तान में है। इनकी उन्होंने अपनी कलम निगारी की, उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है, पर्शियन जुबान भी उनको आती थी। अली गली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है इंडिया में। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो काम बहुत अच्छा किया है इस मूवी में, और स्टोरी के मुताबिक उनके जो स्टाइल की बातें करने का और उनके कपड़ों का स्टाइल तो सेम ही रहा। और ऑल मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और 21 सितंबर को रिलीज़ होगी। आपको कैसी लगी मूवी नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ तो उनको एक स्टोरी, इनकी स्टोरी को एक और नया मोड मिल गया उस टाइम पे, जब मुस्लिम जो हिंदू जो थे मुसलमानों को मारते थे, मुसलमान हिंदू को मारते थे,
तो इनकी स्टोरी को एक नया मोड़ मिला इस टाइम पे, और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इंडिया आज़ाद हुआ तो उसका जो स्टोरी थी उनकी बेस को एक और स्टोरी जो मिल गई, उनकी कहानी को एक नया मोड़ मिला। मैं उसी मूवी को पसंद करता हूँ जिसका ट्रेलर देखूँ और उसके बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ उसके बारे में और स्टोरी क्या है, तो वही मूवी अच्छी लगती है मुझे। और पाकिस्तानी मूवी या इंडिया हो तो वही मूवी अच्छी भी होती है कि भाई कहानी आपको समझ नहीं आए, आप फिल्म देखो कि आपको समझ आ जाए कहानी में है क्या। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन का संग हमारा पाकिस्तान।